ये कितनी गंदगी है आप देख सकते हैं इस माहौल में, कि यदि इतने गंदे माहौल में इतनी गंदी सब्जी मंडी है तो यहाँ पर जो है, यहाँ से बिकने वाले सब्जी मंडी में जो फ्रूट है, सब्जी है, आलू है, प्याज है, ये सबके घरों में जाती है, चाहे गरीब है अमीर है, दो नंबर में रहते हैं NIT में। बिल्कुल साथ ये पार, अच्छा पार, पार। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ सब्जी मंडी की? बिल्कुल बुरा हाल है जी, कीचड़, ना आ सकता है आदमी ना जा सकता है। कौन विधायक है आपके इलाके का? हमारा विधायक ये है अपने शर्मा जी भी हैं, नीरज शर्मा जी। अच्छा, दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच से। आज जो हमारा जो है चुनावी चौपाल का जो ये वाहन चल रहा है आप देख रहे हैं, देश रोजाना की चुनावी एक्सप्रेस, आप ये सारा पढ़ लीजिए, देख लीजिए। हम देश रोजाना का जो ये वाहन है चुनाव के माहौल में लोगों से बातचीत करने के लिए, लोगों के इंटरव्यू लेने के लिए, आम और ख़ास सबसे बातचीत करने के लिए ये हमारा वाहन और हमारी देश रोजाना की टीम इस समय आई हुई है फरीदाबाद की, फरीदाबाद डबुआ सब्जी मंडी, जो होलसेल और रिटेल की सब्जी मंडी है और ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। और ये सारा इलाका जो सब्जी मंडी है ये चारों तरफ से बहुत सारी कॉलोनियों से घिरा हुआ है, और ये जो इलाका जहाँ मैं खड़ा हूँ और ये सब्जी मंडी और इसके आसपास की जो भी बस्तियाँ हैं, कॉलोनी हैं, वो सारी की सारी NIT विधानसभा क्षेत्र 86 में पड़ती हैं। और वर्तमान में यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा हैं, और कांग्रेस ने इस बार फिर उन्हें रिपीट किया है, इस बार भी वही कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो आप ये देख लीजिए, हमने बहुत सारे विजुअल दिखाए भी हैं और भी आपको विजुअल दिखाएंगे कि यहाँ के लोग जो है चुनावों के बारे में, जो हरियाणा विधानसभा के चल रहे हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं। और ये जो सब्जी मंडी है जो फरीदाबाद के, यहाँ से लाखों लोगों के लिए शुद्ध सब्जियों और फलों के लिए जानी जाती है, इस सब्जी मंडी के क्या हालात है वो हम आपको अभी दिखाएंगे और यहाँ लोगों से बातचीत भी करेंगे कि भाई यहाँ पर क्या हालात हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? है विनोद, कहाँ रहते हो? डबुआ कॉलोनी में रहते हो? आईडी आगे लगाओ। और ये ही काम करते हो या और कुछ भी? चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में, इस बात की पता है? तुम्हारा वोट यहाँ पर है? कहाँ के पीछे रहने वाले हो? तो वोट डालने बिहार जाते हो? तो यहाँ वोट काहे नहीं बनवाए हो? है, अच्छा, आप लोगों में से कोई यहाँ का रहने वाला है? यहाँ कोई भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ का कौन टोटल सब्जी मंडी बिहार की? ज़्यादातर बिहारी होते हैं। चलिए बहुत खुशी की बात है, आइए। हाँ भाई दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? अरुण कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के रहने वाले हो। यहाँ कहाँ रहते हो? डबुआ कॉलोनी में। तुम्हारा वोट है यहाँ? वोट नहीं है। वोट डालने कहाँ जाते हो? ये भी बिहार जाते हैं। कोई ऐसा है जो यहाँ का रहने वाला हो और यहाँ वोट डालता हो? नहीं मिलेगा सर। हैं? सब यहाँ नहीं, वो लोग 20-30 साल से रह रहे हैं, तो क्या उन्होंने यहाँ पर वोट नहीं बनवाया जो यूपी और बिहार के रहने वाले हैं? आइए चलिए माहौल देखिए। हाँ अंदर में आइए। अभी हमने जितने जितने लोगों से बात की है वो काम धंधा तो यहाँ पर करते हैं, चाहे फ्रूट बेचते हैं या सब्जी बेचते हैं, लेकिन वोट यहाँ नहीं है। वो जब चुनाव आते हैं
जो बिहार में और यूपी में चुनाव आते हैं तो वोट डालने के लिए वो अपने प्रदेश में जाते हैं। चलिए ढूंढते हैं कोई यहाँ NIT फरीदाबाद का के जो लोग रहने वाले हों और जिन जो वोट यहाँ पर डालते हैं। आइए, ये सेब बेचते हो और भी कुछ बेचते हो? जो भी कुछ मिल जाता है मंडी में। कितने दिन से ये काम कर रहे हो? हो गए 10 साल। 10 साल हो गए। रहते कहाँ हो यहाँ? ये रहते बाटा के पास, बाटा फ्लाई ओवर। तो ये जो AC नगर है? हाँ जी, हाँ जी, AC नगर में रहते। AC नगर से आगे वो ये कहते मिलाट कॉलोनी है जिसमें। मिलाट कॉलोनी जी। मिलाट कॉलोनी का कौन है विधायक? हर्षद का नाम क्या है? आप इधर आ सकते हो? हर्षद के ना, हर्षद MLA इधर आ जाओ। देखो नहीं जाना है, इधर तो आओ। मुन्ना भाई जी, आप पैदा ही फरीदाबाद में हुए हैं? नहीं। और रहने वाला राजस्थान से हूँ। राजस्थान भरतपुर से रहने वाले हैं? अच्छा, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मुझे हो गए 20 साल। 20 साल हो गए। वोट डालते यहीं पर? यहीं पर वोट है? यहीं पर वोट है। अच्छा, गांव से कट गया वोट मेरा। तो कौन से विधानसभा क्षेत्र में है आप? मेरे को इतना अंदाजा नहीं, हमें तो वोट डालना पड़ता है, वोट डाले आते। कहाँ डालते हो वोट? अपने कॉलोनी में डालते हैं। अब मिलाट कॉलोनी में जी, जो बाटा फ्लाई ओवर से वो इलाका ओल्ड फरीदाबाद का है। अच्छा, ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वो। अच्छा, मेरे दोस्त। अच्छा, तो वहाँ पे 11 सेक्टर पुलिस चौकी लगती है। हाँ हाँ, समझ गया। तो वहाँ पर MLA कौन है आपका? कोई समस्याएं हैं आपकी कॉलोनी की? समस्या तो बहुत है, अगर कॉलोनी में घूमोगे तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएंगे, बता देंगे हम। क्या समस्या है आपकी कॉलोनी में? पीने के पानी की समस्या है। पीने के पानी की? रोड की समस्या है। रोड की समस्या होता है, पतली गलियों में कीचड़ होता है, निकलता ढंग से पानी नहीं निकलता। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? समस्या है, बच्चों बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। कहाँ से लाते हो पानी? कम से कम लाते हैं 500 किलोमीटर दूर से। 500 मीटर दूर? अच्छा, तो आपने कभी विधायक से, अपने पार्षद से बात की इस बारे में? कोई सुनता ही नहीं, किससे बात करें? सब वोटों का टाइम पर आता, कोई नहीं मिलता। मतलब वोटों के साथ वोटों के टाइम पर आते हैं, उसके बाद कोई नहीं मिलता, ना कोई नहीं सुनता, ना पार्षद आता है, ना विधायक। जब टंकियाँ खराब हो जाती है बनवा देते हैं, वैसे उनके पास जाना पड़ता है, फिर वो बना देते, लेकिन नजदीक का पानी की सुविधा नहीं है। गली में मतलब बिजली पानी? बिजली है। बिजली है? हाँ। अच्छा, पूरी मिलती है 24 घंटे? कोई कमी तो नहीं है? और बिजली की कोई कमी नहीं है। और ये थोड़ी समस्या है। और स्कूल? स्कूल तो प्राइमरी स्कूल है, उसमें 5वीं तक सरकारी। हाँ, और हमारे बच्चे तो बड़े स्कूल क्लास में। अच्छा, आपके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये मुन्ना भाई ये कह रहे हैं पानी की समस्या है, बिजली की कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई कॉलोनियों में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। अपने में नहीं है इस पर। हाँ चलो, रोड की और कीचड़ की ज़्यादा समस्या है, पानी नहीं निकलता, रोड नाली बेकार है, रोड नहीं है सही तरीके। रोड गंदगी और कीचड़ ये प्रमुख समस्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये चल रहा है, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है फेसबुक। क्या बात, आइए देश रोजाना देख लेंगे। आइए, तो सब्जी का सीधा संबंध हमारी सेहत से होता है, लेकिन जिस माहौल में आप सब्जी और ये फ्रूट बिकते देख रहे हैं, ये कितनी गंदगी है आप देख सकते हैं इस माहौल में। कि यदि इतने गंदे माहौल में इतनी गंदी सब्जी मंडी है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ से बिकने वाले सब्जी मंडी में जो फ्रूट हैं, सब्जी है, आलू है, प्याज है, ये सबके घरों में जाती है, चाहे गरीब है अमीर है। और ऐसी जो सब्जी मंडी है, जब गंदगी चारों तरफ, मक्खियां हैं, मच्छर हैं, गंदगी या पानी में है, और भी हम आपको दिखाएंगे। तो ऐसे माहौल में जो फ्रूट हैं, सब्जी हैं, वो स्वास्थ्य के लिए कितना खतरा हो सकती हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी थोड़ा सा से यहाँ के विजुअल आपको हम और दिखाएंगे, और फिर आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पर क्या माहौल है। क्या नाम है भाई दोस्त आपका? क्या नाम है? सुरजीत राठौर। यहीं पर रहते हैं? हाँ, मैं चाचा चौक रहता हूँ, कटोरी स्थान करता हूँ। अच्छा अच्छा, चाचा चौक रहते हो? पर्वतिया कॉलोनी। वहाँ से कौन विधायक रहा है? अब इतनी मेरा पहली बात तो मेरा यहाँ का वोट नहीं है। वोट नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी नहीं मालूम है कि आपके इलाके से कौन विधायक है? मैं वहाँ का इतना समझता नहीं, विधायक नहीं।
एमएलए बोलते हैं। हाँ। अपने यहाँ से जो जीतेगा उसे क्या बोलेंगे? एमएलए सब विधायक भी है, एमएलए भी है। अंग्रेजी में एमएलए बोलते हैं, हिंदी में विधायक बोलते हैं। उसका नाम वो नीरज शर्मा का तो ये इलाका मूलचंद शर्मा, वो बल्लभगढ़ में था। मूलचंद शर्मा है यहाँ का, यहाँ कमरा बोला। चलिए कोई बात नहीं, सारा इलाका फरीदाबाद का ही है। ये बताइए आपकी कॉलोनी में कौन सी कॉलोनी बताई? चाचा चौक पर्वतिया कॉलोनी, वहाँ कोई समस्या है आप लोगों को बिजली की, पानी की? पानी की दिक्कत है सबसे ज्यादा, पीने के पानी की? नहीं, निकास की भी नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा योगेश नाम। हमारे भनोई का छोटा भाई है। हाँ हाँ, तो कोई समस्या है आपकी कॉलोनी में जहाँ पर होते हैं पर्वत? अगर अभी थोड़ा सा बारिश हो जाएगी ना, हाँ हाँ, वहाँ पानी कुल मुश्किल पड़ जाएगा। पानी का निकासी का प्रबंध नहीं है? नहीं है। और सफाई, बारिश होगी इतना भर जाएगा, इतना पानी भर जाता है, जाता। और वहाँ पर जो गंदगी वगैरह ऐसी पानी हट गया तो रोटी पड़ी रहती है। मतलब बहुत अच्छे हालात नहीं है। अरे अगर कोई रिश्तेदार हो जाए तो शर्म और लगती, क्यों बुला लिया? यदि कोई रिश्तेदार आ जाए तो शर्म लगती है कि क्यों बुलाया? इतना गंदगी है, इतनी सब सामने। अगर थोड़ी सी बारिश भी आ गई, अरे थोड़ी बारिश हो गई, इतनी गंदगी हो रही है, बारिश की गंदगी से। हाँ। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, सफाई की व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी फूटी है। या ये भी बता रहे हैं कि यदि यहाँ बारिश हो जाए, यहाँ 10 मिनट होगी तो आप खड़े नहीं हो पाओगे, तो इतना पानी हो जाएगा यहाँ पर भी, पानी कीचड़, गाड़ी वाड़ी भी नहीं निकल पाएगी, फल लेने वाला बिना फल के चला जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फरीदाबाद की सबसे बड़ी कॉलोनी है, डबला सब्जी मंडी है, होलसेल भी है और फुटकर भी है, जहाँ से आम लोग भी लेते हैं। और जैसे ये भाई ने बताया, ये देखो ये कचौड़ियाँ बेचते हैं पड़ोस की, क्या उसमें रहते हैं, और उनके यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सफाई की, टूटी सड़कों की, और पानी भर जाए तो उसकी गंदगी की, और उसका निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पर महसूस की है कि ज़्यादातर लोग प्रवासी हैं कॉलोनी में जो काम करते हैं। तो सोनलाल, हाँ जी, तो आप कहाँ रहते हैं सोनलाल जी? यहीं साथ ही मंडी के साथ रहता हूँ, दो ही ब्लॉक में, दो नंबर में रहते हैं एनआईटी में। हाँ, बिल्कुल साथ ही पास। अच्छा, पास। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ सब्जी मंडी की? तो बिल्कुल बुरा हाल है जी, कीचड़। हाँ। ना आ सकता है आदमी, ना जा सकता है, मतलब बरसात की वजह से। वैसे भी सड़कों का हालात देखो यहाँ। अच्छा, गंदगी भी है? बिल्कुल गंदगी तो ऐसी है कि कभी सफाई हुई नहीं लगता है। रेगुलर कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल नहीं है कोई सफाई की। कौन विधायक है आपके इलाके का? हमारा विधायक ये है अपने शर्मा जी भी है, नीरज शर्मा। हाँ जी। अच्छा, नीरज, कभी आप गए कि भाई सब्जी मंडी के इतने गंदे हालात है? वो खुद ही चक्कर लगा के जाते हैं, देखते हैं, उस दिन थोड़ा सा आ जाएंगे सफाई करने बस उसके। अच्छा, जो विधायक को कंप्लेन कर दो तो कोई आ जाएगा? हाँ। वरना वैसे कोई यहाँ आता नहीं है, कोई भी नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं कि सब्जी मंडी जो है यहाँ पर खाने पीने की फ्रूट सब्जी आती है, तो इतने गंदे माहौल में ये लोग बेच रहे हैं, तो कीड़े मकोड़े सब जो ये किचन में पहुंचते बीमार कर सकते। आप आगे देखिए कि यहाँ आप निकल नहीं सकते। आप क्या काम करते हैं? हम तो वैसे यहाँ रिटायर हैं। अच्छा, रिटायर हैं, कहाँ से रिटायर हैं? कैलकुलेटर से हैं, कैलकुलेटर। अच्छा, तो दोस्तों क्या नाम बताया आपने? सोनलाल। ये सोनलाल जी हैं, यहाँ पड़ोस में टूई में रहते हैं, और इनका कहना है कि सब्जी मंडी के बहुत हालात ख़राब है, गंदगी भी है, सफाई भी नहीं होती है, सड़कें भी टूटी फूटी हैं, और कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पार्षद से भी इन्होंने शिकायत की है, एमएलए से भी की है, कभी एमएलए आ जाए तो कोई एक आध बार सफाई वगैरह करा जाता है। तो ये आइए, बहुत बुरा हाल है, आगे आइए। चलिए इतना हो गया है, और लेकिन हम एक बार सुन, कोई बात नहीं, उसको जो है हम आगे वाले उसको दिखाना चाहते हैं। तो ये अब देखो पानी भर जाता है इनके गरीब आदमियों घर, ये भी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, गरीब आदमी ये पानी भर जाता है तो इनके लिए ये है भाजपा के शासन का विकास। स्वच्छ भारत जिसका हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बखान करते हैं अखबारों में, विज्ञापनों में, कि उन्होंने जो है एक स्वच्छ भारत का जो अभियान चलाया था, ये स्वच्छ भारत की जीती जागती तस्वीर आपके सामने है।
यहाँ पर हजारों लोग सुबह से शाम तक, सुबह 4 बजे से यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है। क्या नाम है दोस्त आपका? अरुण कुमार। अरुण कुमार कहाँ रहते हैं? सारण में रहते हैं। सारण में रहते हैं। यही है स्वच्छ भारत? यही है, हरियाणा के भारत है। हरियाणा के हाल स्वच्छ हरियाणा का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का दौरा फरीदाबाद की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, जहाँ से कभी भी साफ जीवन में होवे ना करेंगे। हरियाणा सरकार मतलब ये सफाई कभी नहीं होती, कभी भी ना। तो यहाँ तो सांस लेना मुश्किल है। बारिश होने के बाद इतने यहाँ का मंत्री गंदा है, तो यहाँ का देश गंदा होगा ही। यहाँ का मंत्री गंदा तो देश गंदा होगा ही। अच्छा, उत्तर प्रदेश ऐसे राज हो जाए तो सब चमक जाएंगे। वाह वाह वाह, तो यहाँ भी भाजपा का, वहाँ भी भाजपा का तो है। बारिश होने पर यहाँ निकला नहीं जाता। नहीं नहीं नहीं। चलिए तो दोस्तों, जहाँ से लाखों लोग सब्जी फ्रूट खरीदते हैं, मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ कि ये उनके स्वाद से खिलवाड़ है। लाखों लोगों के घरों में यहाँ से फ्रूट और सब्जी जाती हैं, और जो इतने गंदे मच्छरों कीड़े मकोड़ों के बीच में वो रेड़ियाँ लगा कर सब्जी फल बेच रहे हैं, तो क्या वो पूरे लाखों परिवारों में क्या बीमारी सप्लाई नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों मैंने बोल दिया है कि केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, जिनका ये संसदीय क्षेत्र है और जो उनकी पार्टी के विधायक रहे हैं या जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबको एक बार यहाँ आना चाहिए और इस सब्जी मंडी के हालात को सुधारने के लिए काम करना चाहिए। खाली भाषणों से बात बनने वाली नहीं है। भाषण के साथ राशन की भी ज़रूरत होती है, काम की भी ज़रूरत होती है। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाने से, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर स्टेजों पर लच्छेदार भाषण देने से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता। और कितना समाधान हो रहा है, कितना विकास हो रहा है, ये सब्जी मंडी जीती जागती मिसाल है जो हमने आपको दिखाई है। विजुअल दिखाएँ और भी दिखाएँगे। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना, और हम जो 10 साल भाजपा सरकार के हैं, सबका साथ विकास, सबका विकास वाला नारा जो है और स्वच्छ भारत का अभियान जो है, उसकी क्या दुर्गति है, उसका हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। कोई विधायक किसी भी उसका हो, कोई सरकार हो, मतलब है कि समस्या का समाधान होना चाहिए और समस्या का समाधान नहीं है। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं फिर कल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।